तो दोस्तों, आप ये जो लैपटॉप देख रहे हो ये विंडोज 10 लैपटॉप है और उसका डिस्प्ले यहाँ पर बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। तो हम बड़ी स्क्रीन पर देख लेते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये डेस्कटॉप का कॉन्फ़िगरेशन जो है विंडोज़ 10 इंटरप्राइज, इस पर OS डाला हुआ है, वर्जन 20H2 है, मतलब जो रिसेंटली 2020 का वर्जन है वो डाला हुआ है। और इसमें सिर्फ 2 GB रैम है और 120 GB SSD हार्ड डिस्क है। अभी ये जो विंडोज़ 10 का लैपटॉप है, हम इसे अपग्रेड करेंगे विंडोज़ 11 में विद डेटा। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये डेटा का फोल्डर है, ये डेटा का फोल्डर है, ये डेटा का फोल्डर, ये चार पांच जो है डेस्कटॉप पर डेटा के फोल्डर है जिसका साइज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 GB के आसपास है। और ये सारे एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल है, अडोब रीडर इंस्टॉल है, KVMS प्रो है, एडवांस IP स्कैनर है और कुछ एप्लीकेशन इसके अंदर इंस्टॉल है जो कि विंडोज़ 11 में हमारे जब हम इसे अपग्रेड करेंगे तो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे और ये डेटा भी हमारा एज इट इज़ रहेगा। इसके अलावा भी यहाँ पे डी ड्राइव में आप देख रहे हो 1.25 GB यहाँ पे डेटा अलग से रखा हुआ है। तो ये सारा एज इट इज़ रहेगा और हमारा जो PC है वो अपग्रेड हो जाएगा विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 में। तो जितने भी विंडोज़ 10 के कंप्यूटर है जो एक्टिवेटेड है, जिस पर लाइसेंस एक्टिवेटेड है और जो अपडेटेड है, वहाँ पर ये काम हो सकता है। तो मैं ये विंडोज़ 11 का पेन ड्राइव जो है यहाँ पे लैपटॉप पर कनेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको देखने के लिए स्क्रीन पर मिल गया, ये जो पेन ड्राइव यहाँ पे आ चुका है। तो आपको जो प्रोसेस है वो ध्यान से देखना। अगर आपको विंडोज़ 11 का इमेज डाउनलोड करना है या ISO फाइल डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। फाइल को बूटेबल कैसे बनाना है, पेन ड्राइव में बूटेबल कैसे बनाना है, उसका वीडियो आपको आई बटन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। और आप इमेज से डायरेक्ट भी अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन इमेज से अपग्रेड करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। और कहीं कहीं पे क्या होता है कि हार्ड डिस्क का जो मोड है वो चेंज होते टाइम पर हो सकता है कि आपका जो सिस्टम है वो फेल्योर आ जाए। इस कभी भी आप पेन ड्राइव को प्रीफर करें अपग्रेड अगर करना चाहते हो तो इसको, क्योंकि पेन ड्राइव अलग से अटैच होता है आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्नो सर्च। मैं जुबैर शेख, आप सबका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक करो ताकि आपको ऐसी ही टेक्निकल वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। टेक्नो सर्च चैनल पर बहुत से लोग वीडियोस देखते हैं, 1 लाख से ज़्यादा नए लोग हर महीने वीडियोस देखते हैं टेक्नो सर्च पर, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। तो यार सब्सक्राइब कर दो, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को भी थोड़ा सा सपोर्ट करो। चैनल के वीडियोस से आपकी हेल्प होती है, आपका काम आसान होता है, तो चैनल के लिए थोड़ा सपोर्ट करो, एटलीस्ट सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे हमने पेन ड्राइव ओपन कर लिया है। अब हम जो सेटअप फाइल जिस पर लिखा हुआ है उसको आपको डबल क्लिक करके रन कर लेना है। और यहाँ पर देखिए ये सेटअप आपका स्टार्ट हो जाएगा, लोड हो रहा है। तो यहाँ देखिए ये प्रिपेयरिंग बता रहा है, प्रिपेयरिंग 60%। ओ, यहाँ पर नोटिफिकेशन आया इंस्टॉल विंडोज 11। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा है आपको, सेटअप विल गो ऑनलाइन फॉर अपडेट। तो यहाँ पर मैं अपडेट नहीं करूँगा क्योंकि अपडेट करते टाइम पर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इंटरनेट का स्पीड स्लो होने से सेटअप स्लो हो सकता है, तो मैं यहाँ पे अपडेट नहीं करूँगा। और आप लोग भी जब इंस्टॉलेशन कर रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो, तब अपडेट ना करें। एक बार आपका OS रेडी हो जाए उसके बाद आप अपडेट करें। नॉट राइट नाउ पे क्लिक कर दूंगा यहाँ पर, और उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये अभी PC को चेक कर रहा है कि भाई PC का जो स्टेटस है और जो हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन है वो अपग्रेड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, 2 GB की रैम के ऊपर मैं ये अपग्रेड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन आगे ना रहे कि भाई रैम कितनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये एक एरर आ चुका है जो कि विंडोज़ 10 में मोस्टली सभी को आ रहा है। तो अब ये एरर को कैसे सॉल्व करना है इसका भी सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये जो सेटअप है इसको क्लोज कर देना है अगर आपके पास सेम इसी तरह का एरर आ रहा है। और आपको एक फाइल डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक मिल जाएंगी, उस डाउनलोड लिंक से आप क्या करोगे, वो फाइल को डाउनलोड कर लोगे और जैसा आपको स्क्रीन पर बताया जा रहा है आप बिल्कुल वैसे ही कॉपी करोगे उस फाइल को। तो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दूसरे लैपटॉप की। तो आपको जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो TPM 2.0 एरर वाला जो फाइल है वो आपको कॉपी कर लेना है, और जो आपकी पेन ड्राइव है उस पेन ड्राइव में आपको यहाँ पर पहले ऊपर पेस्ट कर लेना है, और ऊपर पेस्ट करने के बाद आप उसे एक्सट्रैक्ट कर लें। अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते ही आपके पास ये यहाँ पर ये एक फाइल आ गई जिसका नाम है AppRaiser.res.dll। इस फाइल को आपको कॉपी कर लेना है, और इस फाइल को कॉपी करके आपको सोर्सेज के फोल्डर में जाना है, सोर्सेज के फोल्डर में आपको इसे पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर ये आपको पूछता है रिप्लेस द फाइल, तो आपको रिप्लेस कर देना है इस फाइल को। रिप्लेस करने के बाद आपको वापस से बैक आ जाना है, और यहाँ से जो है रूट फोल्डर में से इसे आपको डिलीट कर देना है। और ये जो फाइल है ज़िप फाइल, इसे भी आप डिलीट कर सकते हो या रखना है तो रख सकते हो।
तो बस इतना ही करना है आपको, और ये पेन ड्राइव वापस से आपको आपके सिस्टम पर कनेक्ट करना है। अब हम वापस से हमारा जो सेटअप है वो वापस से रन करेंगे। अभी भी सिस्टम का जो स्पेसिफिकेशन है वो आप देख सकते हो, 2GB रैम है और इस पर जो है वो सिक्योर बूट इनेबल नहीं है इस लैपटॉप के ऊपर, जो सिक्योर बूट इनेबल का ऑप्शन विंडोज 11 दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर वो स्टेप जो एरर वाली थी वो यहाँ से हट गई और यहाँ पे लाइसेंस का जो नोटिस है वो आ गया, तो हमने यहाँ पे इसे एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर इंस्टॉलेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों, जो 4GB का जो एरर शो कर रहा था विंडोज़ 11 और जो सिक्योर बूट का जो एरर शो कर रहा था वो यहाँ पर हमने हटा दिया है। और यहाँ पे देखिए ये नया ऑप्शन आ चुका है, इंस्टॉल विंडोज़ 11 इंटरप्राइज की पर्सनल फाइल्स एंड ऐप। तो ये दोनों ऑप्शन हमें चेक करके रखना है, क्योंकि हमें हमारा जो पर्सनल फाइल यानी कि ये फोल्डर और डी ड्राइव में जो डेटा है वो एज इट इज़ रहेगा और विंडोज़ 11 इंटरप्राइज इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इंस्टॉल पर क्लिक कर दिया और ये यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर लिख कर दे दिया है कि आपका पीसी जो है वो एक से ज़्यादा टाइम रिस्टार्ट हो सकता है इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बीच में, जो कि एक नॉर्मल सी बात है, हर किसी को पता है। जब हम OS इंस्टॉल करते हैं तो मल्टीपल टाइम सिस्टम जो है रिस्टार्ट होता है, 2 या 4 बार रिस्टार्ट होता है जब उसे ज़रूरत पड़ती है सिस्टम के हार्डवेयर में चेंजेस करने की तब। तो मैं इसे स्किप करके थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, जहाँ पर भी कोई क्लिक करने के ऑप्शंस आएंगे मैं वहाँ पर आपको दिखा दूंगा। तो दोस्तों अभी ये प्रोसेस 70% तक पहुँच चुका है जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पर, और थोड़ा सा स्लो चल रहा है क्योंकि हमने अपडेट्स वगैरह के ऑप्शन डिसेबल करके रखे हैं और 2GB रैम पर हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं शायद इसकी वजह से भी। तो दोस्तों अभी देख सकते हो आप, ये 83% पे पहुँच चुका है प्रोग्रेस और बहुत ही जल्दी ये कम्प्लीट हो जाएगा। इसके बाद सिस्टम एक बार रिस्टार्ट होगा, 93% पे पहुंच कर डायरेक्ट 100% हो चुका है। और ये देखिए योर पीसी विल बी रिस्टार्ट का मैसेज यहाँ पे आ चुका है। पीसी रिस्टार्ट होने के बाद जो फीचर्स है विंडोज़ 11 के वो सारे इनेबल होंगे वन बाय वन। तो देखिए यहाँ पर रिस्टार्ट होते टाइम पर जो विंडोज़ 10 का डेस्कटॉप था वो हमें एक बार दिखा और रिस्टार्ट हो गया सिस्टम, और रिस्टार्ट होने के बाद वापस से जो विंडोज़ 11 का स्क्रीन है वही यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ देख सकते हो आप सिस्टम रिस्टार्ट हो चुका है और लोडिंग फाइल्स का स्क्रीन पर दिखा, लोडिंग फाइल्स जो है वो स्क्रीन पर दिखा रहा है। और अब जो सारे फाइल्स जो थे वो कॉपी होकर वन बाय वन सारे फीचर्स इनेबल हो जाएंगे विंडोज़ 11 के, और बहुत ही जल्द डेस्कटॉप हमारे सामने विंडोज़ 11 का आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको पेन ड्राइव निकाल देना है अगर इस तरह का मैसेज आपको शो होता है कि अगर आप अपडेट कर रहे हो और आपने USB मीडिया से बूट किया था और ये मैसेज यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई अगर आपने अपडेट प्रोसेस स्टार्ट किया था USB मीडिया से तो आप पेन ड्राइव को रिमूव कर दो और यस पर क्लिक कर दो, और अगर आप क्लीन इंस्टॉलेशन करना चाहते हो तो नो पर क्लिक करो। तो हम अपग्रेड करना चाहते हैं तो हम यस पर क्लिक करेंगे, तो सिस्टम एक बार वापस से रिस्टार्ट होगा। और पेन ड्राइव अभी मैंने लैपटॉप से निकाल दी है, जो पेन ड्राइव है वो यहाँ आपके सामने है, मैंने वहाँ से लैपटॉप से रिमूव कर दिए पेन ड्राइव, तो यहाँ पर रख देते हैं पेन ड्राइव को। तो यहाँ जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पर जो है विंडोज़ 11 का लोगो आ चुका है और जो आगे की प्रोसेस थी अपडेट की, वर्किंग ऑन अपडेट लिखकर आ रहा है 3%। तो वर्किंग जो अपडेट की प्रोसेस थी वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है ऑटोमेटिकली पेन ड्राइव रिमूव करने के बाद, और ये डायरेक्टली यहाँ पे 5-6% से 61% पे आ चुका है, बहुत ही जल्दी ये कम्प्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक 85% प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, 90 हो चुका है, 92 पर आ चुका है, बहुत ही फास्ट हो रहा है अभी। इसके बाद लैपटॉप फिर से रिस्टार्ट होगा, तो ये देखिए 100% कंप्लीट हो चुका है, अब ये लैपटॉप रिस्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे सामने विंडोज़ 11 का जो लॉगिन स्क्रीन है वो आ चुका है, यहाँ पर आप इंटर प्रेस करते हो तो आपका जो पुराना वाला यूज़र, जो आपका पहला यूज़र था जो आपका विंडोज़ 10 में था, वही यूज़र आपका यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो हमारा यूज़र एडमिन था करेक्ट, वही आ चुका है यहाँ पे, और उसका पासवर्ड हमने ए रखा था तो मैंने ए प्रेस करके इंटर कर दिया है। और यहाँ पर देखिए ये डेस्कटॉप का जो मैसेज आता है वो आ रहा है, जो विंडोज़ 11 का जो मैसेज शो होता है वो आ रहा है कि वो बता रहा है कि आपके डेस्कटॉप को हम रेडी कर रहे हैं, और यहाँ पर कुछ देर एनिमेशन चलेगा उसके बाद डेस्कटॉप, उसके बाद विंडोज़ 11 हमारे पास यूज़ करने के लिए रेडी होगा। तो हम जैसे ही विंडोज़ 11 लॉगिन हो जाएगा तो उसके बाद हम सबसे पहले डेटा वेरीफाई करेंगे कि भाई हमारा डेटा डिलीट तो नहीं हुआ है, और एप्लीकेशंस वेरीफाई करेंगे कि भाई एप्लीकेशन जो इंस्टॉल थे वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन काम कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हो विंडोज़ 11 का यहाँ पे डेस्कटॉप हमारे सामने आ चुका है। तो सबसे पहले हम हमारे डेटा के जो फोल्डर्स हैं उन्हें खोलकर देख लेंगे कि भाई इसमें डेटा अवेलेबल है या नहीं है। तो सभी में तो डेटा बता रहा है, जितने फोल्डर थे उतने बता रहे हैं यहाँ पे,
और एक बार डी ड्राइव में जाकर देख लेते हैं कि भाई हमारा ये सी ड्राइव है, ये डी ड्राइव है। डी ड्राइव के अंदर भी हमारे ये सारे फोल्डर्स थे, तो ये सारे तो ये डी ड्राइव में हमारे जितने भी फोल्डर्स थे ये सारे फोल्डर्स भी यहाँ पर आ चुके हैं, और इसका जो साइज़ वगैरह था वो एज इट इज़ है। सारे ही फोल्डर्स यहाँ पर पूरा जितना डेटा हमारा यहाँ पे अवेलेबल था उतना डेटा यहाँ पे दिख रहा है। तो मतलब डेटा के साथ हमने अपग्रेड कर लिया है विंडोज़ 11 को। अब वापस से हम एक बार माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाके चेक कर लेते हैं कि भाई जो हमने OS इंस्टॉल किया है वो क्या बता रहा है। तो यहाँ पर देखिए इंटेल कोर i5 2 GB RAM के ऊपर हमने विंडोज़ 11 इंस्टॉल किया है, विंडोज़ 11 इंटरप्राइज डेवलपमेंट वर्जन, और ये उसका OS बिल्ड है। तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि आपको विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने के लिए 4 GB RAM वाले लैपटॉप या डेस्कटॉप की ज़रूरत नहीं है, और सिक्योर बूट का ऑप्शन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आप समझ रहे हो। तो उसके बिना भी आप विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर सकते हो। तो उपसो फ्रेंड, ये वीडियो की वजह से आप आपका विंडोज़ 11 अपग्रेड कर पाओगे, आप आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप के विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज़ 11 में अपग्रेड कर पाओगे। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई आपको दिक्कत आती है, तो आप कमेंट करके बताएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज करके बता सकते हो। सो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई वो आपके ज़रूर काम आएंगी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कोई फीडबैक या सजेशन देना चाहते हो, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, और आप हमें फॉलो भी कर सकते हो, ताकि आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।